अगर आपको भी अपने मौजा पर फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा जेन्युइन टिप्स दूंगा जिससे आपका वीडियो हो सकता है वायरल हो जाए और आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड उससे पहले आप मेरा नाम जान लो, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हो टेक बॉय यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है अपना वीडियो वायरल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला मैं जो आपको टिप देता हूँ वो है आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक पर वीडियो बनाना है, ठीक है। आप कभी भी अगर वीडियो बनाते हो, 10 वीडियो बनाते हो, तो आपको उसमें से 3 वीडियोज ऐसे बनाने हैं जो ट्रेंडिंग म्यूजिक पर हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंडिंग म्यूजिक पर बनाने से फ़ायदा क्या है। तो आप दूसरा नंबर टिप जरूर सुन के जाना, अगर पहला नंबर काम ना करे तो दूसरा नंबर काम जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग म्यूजिक पर वीडियोज़ बनाने से हमारे वीडियोज़ वायरल कैसे होते हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी क्रिएटर अगर ट्रेंडिंग म्यूजिक पर वीडियो बनाता है तो उसके वीडियो जल्दी वायरल होते हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो म्यूजिक पर जब आप हैशटैग्स लगाते हो और वो म्यूजिक ट्रेंड करता रहता है तो लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। जिसके वजह से आपका वीडियो का वॉच टाइम ज़्यादा हो जाता है, आपका वीडियो ज़्यादा देर तक देखा जाता है अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक पर वीडियो बनाते हो, ठीक है। तो जब आपका वीडियो ज़्यादा देर तक देखा जाता है तो आपका वीडियो मौज ऐप खुद ब खुद वायरल कर देता है, ठीक है। और आपका वीडियो अगर वायरल होता है तो आपके फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे ही, लाइक्स तो आएंगे ही और आपका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब सेकेंड टिप के तरफ हम चलते हैं। पहला नंबर, आपको 10 में से 3 वीडियो हमेशा ट्रेंडिंग म्यूजिक पर बनाना है तो है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सेकेंड नंबर टिप की तरफ। तो सेकेंड नंबर टिप जो है हमारा वो है आपको हमेशा हर वक्त अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक पर वीडियो बनाते हो ना तो आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक के सेक्शन पर चले जाना है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल कर रहा होगा ना उस वीडियो के साथ आपको एक ड्यूट बनाना है, ठीक है। तो आप उस वीडियो के साथ एक ड्यूट बना देना, ठीक है। आप कैसा भी ड्यूट बना सकते हो, रिएक्शन दे सकते हो, या फिर आप 10 लाइक 100 लाइक एक साइड लिख सकते हो, 1 मिलियन लाइक एक साइड लिख सकते हो, 10 लाइक्स। तो इस तरह आपका वीडियो अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप जिस क्रिएटर के साथ, पॉपुलर क्रिएटर के साथ आपको बनाना है वीडियो, ठीक है। तो आप जिस भी पॉपुलर क्रिएटर के साथ वीडियो बनाते हो लोग उसका वीडियो देखते हैं, अगर वो आपका वीडियो नहीं भी देखते हैं तो आपको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपका फॉलोअर्स तो इंक्रीज हो जाता है और आपका वीडियो भी वायरल हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ ड्यूट वीडियो भी बनाना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग म्यूजिक पर, ठीक है। तो अभी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर म्यूजिक हो रहा है, अगर मैंने भी इस पर बनाया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। तो आप इस पर ज़रूर बनाइएगा, वो वीडियो ये है, आप देखिए। तो इस वीडियो पर जब मैंने बनाया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो इसी तरह अगर कोई भी ट्रेंडिंग का सेक्शन चलते रहता है तो आपको उस पर वीडियो बना देना है सबसे पहले, ठीक है। आपको 2-3 वीडियो ट्रेंडिंग म्यूजिक पर बना देना है, उसके बाद आपको ट्रेंडिंग वीडियोज़ के साथ ड्यूट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप देखना आपके वीडियोज़ पर व्यूज कितने ज़्यादा आते हैं और लाइक्स कितने बढ़ते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।